थैंक यू सारा मीडिया, सारे लोग, सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये FIR झूठी है। पुलिस ने जिस स्पीड से इस FIR को दाखिल किया है, पुलिस अगर ऐसे ही काम सारे गुनाहों के लिए करे तो बहुत ही आबादी आबाद हो जाए, हमारे यहाँ कोई गुनाह ही ना बचे। जब हमारे को लोग एट्रोसिटी का गुनाह उस पर डालना चाह रहे हैं, तो पिछले पता नहीं कितने 10-12 घंटों से पुलिस सिर्फ एक दूसरे के कंधे पे देख रही है और बोल रही है ये कलम नहीं फिट होता, वो कलम नहीं फिट होता, जबकि उसका एक एलैबोरेट क्लिपिंग है, वीडियो है कि उसने किस तरह से शिवा जगताप और उसके साथियों को मंदिर से तू तू तार तार करके भगाया हुआ था। दूसरा, मैं मुमरा की और कलवा के लोगों का बहुत बहुत आभार मानना चाहूँगी कि उन्होंने अवार्ड साहब का साथ दिया है, क्योंकि ये क्लिपिंग अगर आप देखें तो वो किस हिसाब से विनय भंग में या शील भंग में होती है मुझे पता नहीं। जब आप मार्केट में भी आम तौर पे जाते हो, जब भीड़ भाड़ होती है, वहाँ आपको हज़ारों धक्के लगते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी मैं बोलने वाली हूँ कि हमारी कम से कम 50 महिलाएँ अभी शील भंग इसी पुलिस स्टेशन में दाखिल करेंगी, क्योंकि कल की भीड़ में वो भी थी और उनको भी धक्का बुक्की हुई है, हर एक पे हुई है, चाहे वो CM की सिक्योरिटी हो या पुलिस हो या कोई भी हो। तो आपको अगर इतना अपने आप के शील से अगर प्यार है तो आप पॉलिटिकल प्रोग्राम में या बड़ी भीड़ भाड़ में मत जाओ। इतना करने के बाद भी कोई भी अगर आप देखोगे वहाँ दूसरी कोई भी लेडी नहीं है, ये खुद इतने नैरो रास्ते में साहब की तरफ गई, चल के साहब आ रहे थे, साहब ने उसके पहले शायद खासदार जी को भी ऐसा किया है और वो आगे चले गए, उन्होंने सिर्फ हाथ से साइड में किया। उसके पहले मैं इसलिए बोलना चाहूंगी कि ये मुमरा का लोकल, ये मुमरा का लोकल चैनल है, इधर आप सबको पहचानते, मैं जिनका नाम लेने वाली हूँ, राजन किने साहब ने कल हमारे सब कार्यकर्ताओं को ये बोला है कि इस आमदार को भगाना है, आप लोग इस आमदार को भगाओ और मुझे आमदार बनाओ। क्या यही वजह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद राजन किने, अनीता किने, मोरेश किने कल रात से आपके इस विरोध प्रदर्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, वो नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। विरोध प्रदर्शन में किसी को जान मुझ के लाना हमारी संस्कृति नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप सही के लिए विरोध कर रहे हो तो आओ, अगर आपको नहीं लग रहा आप भले घर पे बैठो, जो होना है हम देख लेंगे। लेकिन अब बस हो गया, ये जो बार बार ये जो ऑपोजिशन को स्पेशली आवाज़ साहब को टारगेट कर किया जा रहा है, हम नहीं सहेंगे। आप क्या करेंगे, इंसान आखिर में क्या होता है, मर ही सकता है, इससे ज्यादा क्या करोगे आप? तो चलो अभी देख लो, बीजेपी को ये सीट भी लड़नी है, बीजेपी को ये सीट जीतनी भी है, ऑल द बेस्ट उनको, मतदाताओं ने किसी हालात में नहीं होगा, उनको मतदाताओं ने चुन के दिया है, तो हम सीट का फैसला भी मतदाताओं पर ही छोड़ना चाहेंगे। रुता जी, अगली रणनीति क्या होगी इस तरीके के झूठे FIR, वो भी महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार जैसे झूठे अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, वो भी एक विधायक के खिलाफ, तो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उसकी महिला आघाड़ी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑलरेडी उनका एक जो ये था, ऑलरेडी वो लोग मिलने गए हैं राज्यपाल जी से, कोश्यारी सर से, और वो शायद अभी मिलेंगे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो भी घर पे आए हुए हैं, और ये लड़ाई मैं खुद विधायक की पत्नी नहीं, जितेंद्र अवार्ड की पत्नी के हिसाब से अभी उस महिला, उनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, आई डोंट थिंक आई शुड नेम, लेकिन उनके कंधे पे बंदूक रख कर अवार्ड साहब को निशाना बनाया जा रहा है, और जो भी बुरा होगा अच्छा होगा वो उनका होगा, जो पीछे खड़े हैं उन्हें कभी कुछ आंच नहीं आती। और मुझे इस बात का दुख है, एक लेडी होते हुए मुझे एक लेडी के लिए ये बोलना पड़ रहा है कि उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है इस पट पे, इस पॉलिटिकल पूरे पट पे। रुता जी, एक आखिरी सवाल, आप भी महिलाएं, आपके साथ सारी महिलाएं हैं, और हमेशा महिलाओं के हितों और हकों के लिए आपकी आवाज मुखर रही है, चाहे वो संघर्ष संस्था के जरिए, लेकिन ऐसी जो महिलाएं हैं जो झूठ गढ़ती है और वुमन सेंट्रिक लॉस का जो एक बेनिफिट मिलता है, तो ऐसी महिलाएं झूठी शिकायतें पुरुषों के खिलाफ आमतौर पर, हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट में भी पोक्सो एक्ट के लेकर के उनके तमाम केसेस को लेकर के जजेस के पैनल ने विधि विभाग को, लॉ एंड एडवाइजरी डिपार्टमेंट को कुछ सजेशन किए हैं, तो इस पर रोक लगने के लिए सरकार ने कोई कानून या कोई प्रोविजन जो है वो बनाना चाहिए या नहीं? हाँ, बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और इतना कोई गया गुजरा है नहीं कि हजारों लोगों की भीड़ में
कोई किसी का विनय भंग करे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलेस्टेशन, प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट, ओपन द बुक्स ऑफ लॉ। इसीलिए मैंने पुलिस को भी बोला है कि अगर ये गलत साबित हुआ तो उन्हें भी हमें हम क्यों बख्शे। आप हमेशा ऊपर वालों के प्रेशर में आते हो, सब पुलिस ने मिलकर एक बार रिजाइन करना चाहिए कि नो वी विल नॉट डू दिस। अगर आप हर वक्त इस तरह के गलत FIR लोगों के बारे में यूज करते हैं, आप रात को सो सकते हो? कितने लोग आते हैं इस पुलिस स्टेशन में, किसकी कंप्लेन बिना हमें फोन किए बिना यहाँ दर्ज होती है? इसका एक बार आप प्लीज कोई रिसर्च करें। जब तक हमारे पास बेचारे फोन नहीं आते और जब तक हम खुद इंटरव्यू नहीं करते हैं कि कंप्लेन दर्ज होनी हर एक की चाहिए, वो बाद में चाहे वो गलत हो या सही, उसका फैसला इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है। लेकिन यहाँ पे आए हुए पुलिस स्टेशन में आए हुए आम आदमी की भी कंप्लेन लेने के लिए उसको इतनी गालियां पड़ती है, इतना सुनना पड़ता है। और इस लेडी की कंप्लेन विद इन नो टाइम एक छोटे से क्लिपिंग पे ले ली। अभी हम स्क्रीन्स लगाएंगे शहरों में, लोगों को पता चले कि अवार्ड साहब ने किस तरह का विनय भंग किया है। क्या क्या मैसेज देंगे राष्ट्रवादी के पूरे परिवार को, कलमा मुमरा की पूरी आवाम को इस लड़ाई को लेकर? बहुत बहुत थैंक यू, ये उन्होंने खुद किया, मैं तो अभी आई हूँ, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। आज ये शुरुआत है, अगर आज इनको ढील दे दी तो ये कल आपके खिलाफ, इनके खिलाफ, सबके खिलाफ इस तरह के कार्रवाई करते रहेंगे। और ये गलत है ना। अभी ठीक है, विवियाना का हुआ, लोग ने किया, शांत हुए, कुछ नहीं, चलो वो तो एक थोड़ा पब्लिक डिस्टर्बेंस उनके कार्यकर्ताओं ने किया था, उन्होंने जाके उसको रोका, कोई मारामारी नहीं हुई वहाँ पे। बहुत ज़्यादा वापस गलत कलम उन्होंने डालने चाहे, लेकिन अभी नहीं हुआ। वो 354 जो वर्तक नगर पुलिस स्टेशन से ये 354 इनके दिमाग में चल ही रहा था, ये इन्होंने जान बूझ के किया। इट्स अ प्लान कॉन्स्पिरेसी। जिस तरीके से देश का इन लोगों ने माहौल खराब किया है, ऐसा तो नहीं मुमरा का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे लगता है शांतिपूर्ण आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता, वो हर एक नागरिक का संवैधानिक हक है। और मैं सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि प्लीज किसी को भी तकलीफ ना दे, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है वो उनके बीच में है, दो सत्ताधारियों के बीच में है, उसमें कॉमन मैन जो हमारे पीछे हमेशा होता है, उनको कोई भी तकलीफ ना हो। मैं इनके चैनल के जरिए सबको अपील करना चाहूंगी, और आपका प्यार प्रेम ऐसा ही रहे। बाकी रही बीजेपी की जीतने की बात, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट।